हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम आपको सिल्वी होराइजन एनालॉग डिजिटल वॉच के साथ परिचय कराएंगे, जो एनालॉग की शानदारता को डिजिटल की फंक्शनैलिटी से बेहद सुविधाजनक ढंग से मिलाती है। इस घड़ी के सभी विशेषताओं और फंक्शन को समझाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस होरोलॉजिकल सफर में साथ मिलकर चलें। ये वीडियो सिल्वी की सभी होराइजन वॉचेस के लिए है। शुरुआत करते हैं इस घड़ी को उपयोग में सरल बनाने वाले बटन और क्राउन से, जिनके कारण इसे इस्तेमाल करना बेहद सहज होता है। इस घड़ी में आपको चार शानदार बटन ए, बी, सी और डी मिलेंगे। प्रत्येक का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। बटन ए लाइट बटन के रूप में काम करता है। इसे दबाने से लाइट ऑन हो जाएगा, जिससे आप अंधेरे में समय देख सकेंगे। बटन बी मोड परिवर्तन बटन है। इसे दबाने आप विभिन्न मोड और सेटिंग्स तक पहुँच सकते हैं। बटन सी इसका दोहरा काम है। कुछ मोड में ये सेव बटन के रूप में कार्य करता है, जिससे आप अपनी सेटिंग्स की पुष्टि कर सकते हैं। अन्य मोड में ये स्टॉपवॉच के लिए रीसेट बटन के रूप में कार्य करता है, जिससे सही टाइमिंग सुनिश्चित होती है। आखिरी बटन डी स्टार्ट स्टॉप बटन है स्टॉपवॉच के लिए। यह आपको टाइमिंग कार्य को शुरू और बंद करने की सुविधा प्रदान करता है। अब चलो बात करते हैं क्राउन की। ये घड़ी के दाहिने ओर एक छोटा सा क्राउन है, जिसे दो भिन्न पोजीशन में सेट किया जा सकता है। स्थिति ए वॉच की नॉर्मल पोजीशन है, जिसमें आप लाइफ टाइम देख सकते हैं। क्राउन को पोजीशन बी में सेट करने से आप एनालॉग में समय को अपडेट कर सकते हैं। हाउ टू सेट टाइम इन एनालॉग। एनालॉग में समय सेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। धीरे से क्राउन को पोजीशन बी में खींचें, जिससे आप एनालॉग समय को अपडेट कर सकते हैं। अब क्राउन को घुमाएं, एनालॉग हैंड्स को सही समय से मिलाएं। एनालॉग समय को सही ढंग से सेट करने के बाद क्राउन को पोजीशन ए नॉर्मल पोजीशन में पुश करें, जिससे घड़ी का स्टैंडर्ड समय रखने की समर्थन हो जाएगी। हाउ टू सेट टाइम इन डिजिटल। डिजिटल डिस्प्ले में समय सेट करने के लिए इस स्टेप्स को फॉलो करें। वॉच नॉर्मल मोड में सुनिश्चित करें, जहां करंट टाइम होता है। बटन बी को 3 बार दबाएं। इससे आप टाइम अपडेट मोड में प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे कि सेकंड्स ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब कि आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं। बटन डी का उपयोग करके आप सेकंड्स को रिसेट कर सकते हैं, ताकि सही समय सेट कर सके। सेकंड्स को सेट करने के बाद बटन सी को दबाकर आप हावर्स और मिनट में स्विच कर सकते हैं। फिर बटन डी का उपयोग करके आप हावर्स और मिनट को अपनी पसंद के अनुसार अपडेट कर सकते हैं। हावर्स अपडेट करते समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी लिखा है, इसका मतलब पीएम होता है। अगर सेकंड्स की जगह पे ए लिखा है तो इसका मतलब ए एम होता है, और अगर वहां पे एच लिखा है तो इसका मतलब ये 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट है। सही डिजिटल समय को कंफर्म करने के लिए बटन बी को दबाएं और अपनी नई समय सेटिंग्स को सेव करें। हाउ टू सेट डेट एंड डे। दिन और तारीख सेट करने के लिए आप इस स्टेप्स को फॉलो करें। सुनिश्चित करें कि वॉच नॉर्मल मोड में है। बटन बी को 3 बार दबाएं और फिर बटन सी को 3 बार दबाएं, जिससे आप तारीख और दिन अपडेट मोड में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महीना ब्लिंक करने लगा है, जिससे आप इसे अपडेट कर सकते हैं। बटन डी का उपयोग करके आप महीने को बढ़ाएं या कम कर सकते हैं, ताकि सही मंथ सेट हो सके। महीना सेट करने के बाद बटन सी को दबाएं और तारीख सेटिंग में आएं। फिर से बटन डी का उपयोग करके आप तारीख को अपनी पसंद के अनुसार अपडेट कर सकते हैं। अब फिर से बटन सी को दबाएं और दिन सेटिंग में प्रवेश करें। बटन डी का उपयोग करके आप हफ्ते के दिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सही दिन और तारीख को सेट करने के बाद बटन बी को दबाएं और अपनी नई तारीख और दिन सेटिंग्स को सेव करें। हाउ टू सेट अलार्म। अलार्म सेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सुनिश्चित करें कि आप नॉर्मल मोड में हैं। बटन बी को 2 बार दबाएं और फिर बटन सी को दबाकर आप अलार्म सेटिंग मोड में प्रवेश करें। डिजिटल डिस्प्ले में हावर्स ब्लिंक करने लगेंगे, जिससे आप उन्हें सेट कर सकते हैं। बटन डी का उपयोग करके आप घंटे को अपनी पसंद के अनुसार अपडेट कर सकते हैं। हावर्स सेट करने के बाद बटन सी को दबाएं और मिनट सेटिंग में प्रवेश करें। फिर से बटन डी का उपयोग करके आप मिनट को अपनी पसंद के अनुसार अपडेट कर सकते हैं। अलार्म का समय सेट करने के बाद बटन सी को दबाएं और अपनी नई अलार्म सेटिंग्स को सेव करें। अलार्म मोड में बटन डी को दबाकर अलार्म को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके स्टॉप वॉच का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मल मोड में बटन बी को 1 बार दबाएं और स्टॉप वॉच ऑन होगा। बटन डी को दबाकर स्टॉप वॉच शुरू करें। यदि आपको स्टॉप वॉच को रोकना हो तो बटन डी को फिर से दबाएं। इसे 1 बार फिर से दबाने से स्टॉप वॉच फिर से शुरू हो जाएगी।
स्टॉपवॉच को जीरो पर रीसेट करने के लिए जब स्टॉपवॉच पोज हो तब बटन सी प्रेस करें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जब आपको आवश्यकता हो आप एक नया स्टॉपवॉच काउंटर शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि सिल्वी होराइजन वॉच की इस यूजर मैनुअल वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपके पास और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और सिल्वी वॉच संबंधित वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।